नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश भर में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल आज से फिर खुल रहे हैं। दिल्ली ने अपनी सीमाएं खोली। केंद्र ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित 820 स्मारकों को खोलने की अनुमति दी। कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.37% हुई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून मुंबई में 11 जून तक पहुंचेगा और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चक्रवात अम्फन के सटीक पूर्वानुमान के लिए भारतीय मौसम विभाग की सराहना की। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं हूं निखिल कुमार। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालय आज से फिर खुल रहे हैं। इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। प्रसाद वितरित करने या पवित्र जल छिड़के जाने की इजाजत नहीं होगी। प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रंथों को छूना भी प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मास्क लगाने या चेहरा ढकने और 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार शॉपिंग मॉल में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी जिनमें कोविड के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा मॉल में बच्चों के खेलने वाले जगह और सिनेमा हॉल बिल्कुल बंद रहेंगे। इन जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए मॉल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त उपाय करने होंगे। फूड कोर्ट क्षेत्र में भी कुल बैठने की क्षमता का 50% ही उपयोग में लाने की इजाजत होगी। वहीं रेस्टोरेंट के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश द्वार पर हाथों को धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान करना होगा। इन जगहों पर लोगों को बैठकर खाने के बजाय खाद्य पदार्थों को ले जाने के प्रति प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। इन जगहों पर कुल बैठने की क्षमता का 50% ही उपयोग में लाने की अनुमति होगी। वहीं होटलों में आने वाले आगंतुकों को अपने यात्रा का विवरण और स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी आगंतुक कक्ष पर उपलब्ध करानी होगी। आगंतुक के ठहरने वाले कक्ष और अन्य सेवाओं को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। साथ ही रसोई घर को भी समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित उन 820 स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है जिनके अंदर पूजा स्थल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि इन स्मारकों में गृह मंत्रालय से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक स्थलों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में दिए गए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। देश में 3,691 संरक्षित स्मारक और पुरातत्व स्थल हैं जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जिम्मे है। ये स्थल 17 मार्च को बंद कर दिए गए थे। दिल्ली की अन्य राज्यों से लगी सीमाएं आज फिर से खुल गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी जारी रहने तक दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का ही उपचार होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में होटल और बैंक्वेट हॉल को छोड़कर मॉल, रेस्तरां और पूजा स्थल आज से खुल रहे हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार के अस्पतालों और निजी अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का ही उपचार होगा। हालांकि केंद्र सरकार के अस्पताल और विशेष अस्पतालों में सभी का उपचार हो सकेगा। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी प्रमुख मंदिर खुल गए हैं, लेकिन वाराणसी में मंदिर आज से नहीं खुलेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने पहले ही आदेश जारी किया था कि वाराणसी में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल अभी नहीं खुलेंगे। उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल को निरीक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी जो निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। एक रिपोर्ट। आज मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये एक नए किस्म का अनुभव था जो कि तकरीबन 2 महीने से ज्यादा के वक्त के बाद अपने इष्ट देव के दर्शन कर पा रहे थे। श्रद्धालुओं को मंदिर में घंटी बजाने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें मूर्तियों को छूने की भी मनाही थी। रात भर अधिकांश मंदिरों में सैनिटाइजेशन का काम चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त में प्रदेश के अधिकांश मंदिरों में द्वार खोल दिए गए। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। कनक भवन और हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालुओं की
सुविधा के लिए जमीन पर गोले बनाकर उनके खड़े होने के स्थान तय कर दिए गए हैं और सिर्फ 5 लोगों को ही एक बार में मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। पौराणिक शहर चित्रकूट में भी कामतगिरी सहित अनेक मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस बीच राज्य में मस्जिदों सहित दूसरे धर्म स्थल भी खुल गए हैं। हालांकि मजलिसे उलमाए हिंद के मौलाना कल्वे जव्वाद ने कहा कि 6 फीट की दूरी और विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद जुमे की नमाज और जमात मस्जिदों में आयोजित किया जाना संभव नहीं होगा, लिहाजा ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, लेकिन फुरादा नमाज अदा की जा सकती है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार सरकार ने भी धार्मिक स्थल फिर से खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में आज से होटल, रेस्तरां, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं। राज्य गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने बताया कि पुलिस महानिदेशक सभी विभागों के प्रमुखों और जिला मजिस्ट्रेटों को निर्धारित सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि धार्मिक स्थलों में कोविड 19 संक्रमण के बचाव के सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। सीतामढ़ी के जानकी मंदिर, बाबापुरी के जल मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर समेत बिहार के सभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों को 78 दिनों के बाद आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस बार पूजा और इबादत के लिए धार्मिक स्थलों पर नई व्यवस्था की गई है। पूजा स्थलों को खोलते समय पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। मंदिर और मठों में 65 वर्ष से अधिक बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक स्थलों में भक्तों को प्रवेश करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मंदिर प्रांगण में भक्तों को केवल दर्शन की अनुमति होगी, प्रसाद चढ़ाने पर रोक रहेगा। मंदिर परिसर में कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। देश का पहला ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आज से फिर से खुल रहा है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वो 12 जून के बाद ऑनलाइन बुकिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर आएं। दर्शन के लिए बुकिंग करने का लिंक 12 जून के बाद सोमनाथ मंदिर की वेबसाइट www.somnath.org पर उपलब्ध होगा। मंदिर सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 12:30 से शाम 6:30 तक खुला रहेगा। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार मास्क पहनना सभी भक्तों के लिए अनिवार्य है। 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मंदिर न जाने की सलाह दी गई है। गोवा में गिरजाघर और मस्जिद नहीं खुल रहे हैं। संबंधित धर्मगुरुओं ने कहा है कि मौजूदा स्थिति पूजा स्थल फिर से खोले जाने के अनुकूल नहीं है। ऑल गोवा मुस्लिम जमात एसोसिएशन ने भी राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी मस्जिदें 30 जून तक बंद रखने की बात कही है। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों और पूजा घरों को 30 जून तक बंद रखने की घोषणा की है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 5,200 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी तक 1,19,293 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर 48.37% है। फिलहाल देश में 1,20,406 संक्रमित लोग हैं जो चिकित्सा निगरानी में हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस की जांच करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। देश में फिलहाल कुछ 759 जांच केंद्र हैं, इनमें से 531 सरकारी और 228 निजी प्रयोगशालाएं हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कोविड 19 संक्रमण से बचने के लिए लोगों से एहतियाती उपाय अपनाने की अपील की है। मैं देश के लोगों को ये सिर्फ बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं कि नया वायरस आया है, छोटी सावधानियां बरतने से हम इससे अपने आप को बचाव कर सकते हैं। मास्क पहनना मत भूलिए, सोशल डिस्टेंसिंग 1-2 मीटर की, 2 गज की दूरी, उसको जो है अपनाना मत छोड़िए। कितनी भी रिलैक्सेशन हो उस रिलैक्सेशन का दुरुपयोग मत करिए और अपने जो हाथों की जो हैंड हाइजीन है इसको कभी भी कमजोर ना होने दें। साबुन से हाथ धोना, हाथों को नाक पर, मुंह पर, आंख पर, इन सब जगहों पर टच नहीं करना और थोड़ा सा अपने आसपास की सरफेसेस को सैनिटाइज करके रखना, इतनी ही सावधानी हमने रखनी है। ये दौर भी जो है निकल जाएगा और हम सब जो है इस कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे।
मध्य प्रदेश में बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 30 जून तक अवकाश घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में हायर सेकेंडरी यानी उच्चतर माध्यमिक की शेष परीक्षाएं कल से होंगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र MP ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने छात्रों को अपने मौजूदा स्थान से ही परीक्षा में बैठने का विकल्प भी दिया है। दरअसल लॉकडाउन के कारण कुछ छात्र अन्य स्थानों पर फंसे हुए हैं या अपने परीक्षा केंद्र के स्थान के बजाय अपने घर चले गए हैं। छात्रों के हित में राज्य सरकार ने प्रवेश पत्र पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है। वहीं राज्य सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी छात्र परीक्षा से वंचित न रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 20 मार्च के बाद बोर्ड से सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 संक्रमित रोगियों की संख्या 1000 को पार कर गई है। राज्य में कल 76 नए कोरोना रोगियों का पता चला। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1073 हो गई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 803 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक पखवाड़े पहले तक कोरोना का संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में था, लेकिन जैसे जैसे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूरों से ही हैं। हालांकि बीते 48 घंटों में करीब आधा दर्जन कोरोना वॉरियर्स के भी संक्रमित होने की जानकारी मिली है। इनमें एम्स रायपुर के एक डॉक्टर के अलावा एम्स और राज्य के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले एक एक लैब टेक्नीशियन शामिल हैं। इसके अलावा 2 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में आज से सार्वजनिक पार्क, उद्यान के साथ ही धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन राज्य शासन ने स्थितियों को देखते हुए फिलहाल शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति नहीं दी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में कल कोविड-19 संक्रमण के 480 नए मरीजों का पता चलने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 20,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इन्हें मिलाकर 1,249 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक रिपोर्ट। गुजरात में सामने आए 480 नए मामलों में से 318 मामले केवल अहमदाबाद के हैं। इसी तरह पिछले 24 घंटों के दौरान हुई 30 मृत्यु में से 21 मरीजों की मौत अकेले अहमदाबाद में हुई। राज्य में अब 5,205 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 5,138 की हालत स्थिर है, जबकि 67 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 319 और मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, जिसके साथ ही अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 13,643 हो गई है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा नया दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद मॉल, रेस्टोरा, होटल और धार्मिक स्थल आज से फिर शुरू होने जा रहे हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों और संक्रमण के लक्षण वाले रोगों के लिए 32,000 बिस्तरों के साथ 683 संगरोध केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन कोविड देखभाल केंद्रों में बड़ी संख्या में चिकित्सकों और अर्ध चिकित्सा कर्मियों की तैनाती की गई है। इन क्वारंटाइन केंद्रों में 253 चिकित्सकों तथा 287 पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। इसके अलावा आइसोलेशन के लिए प्रदेश में लगभग 1000 बेड उपलब्ध हैं। क्वारंटाइन किए गए लोगों के रहने की उचित व्यवस्था और गुणवत्ता युक्त पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन क्वारंटाइन सेंटरों में अभी तक लगभग 5,500 व्यक्ति पंजीकृत किए गए हैं। क्वारंटाइन केंद्र मशोबरा में रखे गए मनोज कुमार का कहना है कि केंद्र में सरकार द्वारा बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी तरह क्वारंटाइन केंद्र कुनहार में रह रहे योगेश शर्मा ने इस केंद्र में की जा रही सुविधाओं के लिए सरकार का धन्यवाद किया है। इस बीच राज्य में कोविड-19 के 219 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, वहीं 183 संक्रमित मरीज राज्य में उपचाराधीन हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। हिमाचल प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 411 हो गई है।
तमिलनाडु में कल 1515 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 31,667 हो गई है। 14,396 रोगियों का उपचार चल रहा है। 604 लोगों को ठीक होने के बाद कल अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 54.5% है। तमिलनाडु में अब तक 269 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। राज्य में कोविड 19 से मृत्यु दर 0.85% हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति नहीं दी है। राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बाद में पूजा स्थल खोलने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। कोविड 19 महामारी फैलने की शुरुआत के साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दिया जा रहा है। इस वैश्विक संकट के प्रबंधन के लिए राहत उपायों के तहत लगभग 379 करोड़ रुपए इस महीने के पहले सप्ताह तक सरकार को प्राप्त हुए हैं। निजी और व्यक्तिगत तौर पर तथा सरकारी कर्मचारियों, औद्योगिक निकायों, छोटे व्यापारियों और कई संस्थाओं के साथ साथ स्कूल के विद्यार्थियों ने भी अपना योगदान दिया है। कुछ संस्थानों ने करोड़ों रुपए की RT-PCR किट और अस्पतालों के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराए हैं। कई निजी डॉक्टर बिना किसी फीस के ऐच्छिक रूप से इस महामारी से लड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। केरल में कोविड 19 से एक और मौत होने के बाद राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 16 हो गई है। राज्य में कोविड संक्रमित लोगों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इस समय राज्य में कोविड 19 के सक्रिय मामलों की संख्या 1095 हो गई है। आज से जिलों में व्यापक एंटीबॉडी परीक्षण शुरू हो रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4,02,678 हो गई है। अब तक 70,05,822 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। स्वतंत्र वर्ल्डोमीटर वेबसाइट ने ये आंकड़े पेश किए हैं, जबकि जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने मृतकों की संख्या 4,135 और मामलों की संख्या 69,20,000 बताई है। कोरोना से अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। वहां अब तक 1,10,000 लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। ब्रिटेन 40,465 मौतों और 2,84,868 मामलों के साथ दूसरे तथा ब्राजील 35,930 मौतों और 6,72,846 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। इटली चौथे और फ्रांस पांचवें स्थान पर है। संयुक्त अरब अमारात में 540 नए मामलों के साथ कोविड 19 से संक्रमित लोगों की संख्या 38,808 हो गई है। हालांकि देश में सक्रिय मामले केवल 16,726 हैं। कल 745 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ अब तक 21,806 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से एक व्यक्ति के मरने की खबर है। संयुक्त अरब अमारात के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 की 44,000 नई जांच की गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो। घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। लोशन वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। देशभर में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल आज से फिर खुल रहे हैं। दिल्ली ने अपनी सीमाएं खोली। केंद्र ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित 820 स्मारकों को खोलने की अनुमति दी। कोविड 19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.37% हुई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून मुंबई में 11 जून तक पहुंचेगा और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चक्रवात ओम्फन के सटीक पूर्वानुमान के लिए भारतीय मौसम विभाग की सराहना की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के अनुसंधानकर्ताओं ने कोविड 19 की जांच के लिए कम लागत वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परीक्षण किट विकसित की है। ये किट करीब 20 मिनट में परिणाम दे सकती है। संस्थान में विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख अनुसंधानकर्ता प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह ने बताया कि इन परीक्षण किटों का ट्रायल ईएसआईसी अस्पताल में पहले ही किया जा चुका है और इनके परिणाम उत्साहजनक हैं।
उन्होंने बताया कि यह परीक्षण किट रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर से मुक्त है। उन्होंने बताया कि आईआईटी हैदराबाद की इस बायोचिप्स की लागत करीब 600 रुपये है और अधिक उत्पादन किए जाने पर इनकी लागत करीब आधी रह जाएगी। इस किट के विकास में स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हमारा डिवाइस, हमारा सेंसर कोरोना वायरस के आरएनए को डिटेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट पूरा वेट जो है इंस्ट्रूमेंट का मुश्किल से 200 ग्राम होगा। आप जहां चाहे उसको ले जा सकते हैं। इसका यूज तमाम जगहों पर हो सकता है, जैसे एयरपोर्ट पर, कहीं पर जहां पर कोई गैदरिंग हो रही है। कास्ट आधा चीज 600 रुपया है अभी के लिए, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि जब हम भविष्य में ढेर सारा प्रोडक्शन करेंगे तो इसका कास्ट आधा या थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो कास्ट भी बहुत कम हो गया और टाइम भी कम हो गया और स्पर की भी जरूरत नहीं है। ये सारे बेनिफिट एक साथ हम दे पाएंगे क्योंकि एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने सभी सरकारी कर्मचारियों से कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और साफ सफाई के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर जहां तक संभव हो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखनी होगी। मास्क लगाना या चेहरा ढकना अनिवार्य होगा। लोगों को साबुन से बार बार हाथ धोने होंगे और अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर इसका उपयोग करना होगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने कहा कि कोविड 19 के मामलों की संख्या में भारत अभी अपने शिखर पर नहीं पहुंचा है। संख्या कुछ जगहों में कंट्रोल पर आ गई है और कुछ जगहों में संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। पीक अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम पर आएगा और आगे कैसे बिहेव करेगा, सेकेंड वेव आएगी, अभी कुछ लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं, वो आने वाला समय ही बता पाएगा। डॉक्टर अपर्णा ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षित दूरी, हाथ धोने और मास्क पहनने पर बल दिया। हमको 2 गज की दूरी रखनी है। हम जहां पर भी जाएं, कोई भी चीज हाथ छुए तो उसके बाद में हमको अपने हाथ धोने हैं। जहां पे साबुन और पानी उपलब्ध है वहां पे साबुन और पानी का इस्तेमाल करें। तीसरी चीज मास्क पहनने का बहुत जरूरी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। वरिष्ठ चिकित्सक और परामर्शदाता अवधेश शर्मा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331444। टोल फ्री नंबर है 1800115767। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि विदेशी नागरिकों की यात्रा पर लगी पाबंदियां जैसे ही खत्म होंगी, नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंतव्य देशों को अपने यहां आने वाली उड़ानों को अनुमति देने के लिए तैयार रहना होगा। श्री पुरी ने कहा कि विश्व स्तर पर स्थिति सामान्य नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड 19 के खिलाफ संघर्ष के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। पार्टी की पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये रैली कोई चुनावी या राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि ये कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 75 ऐसी वर्चुअल रैलियों का आयोजन करेगी। विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये दल प्रवासी श्रमिकों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लगभग 1.25 करोड़ प्रवासियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया गया है और उनके कल्याण के लिए कई उपाय किए गए हैं। जब से कोरोना की महामारी आई, सब जिलों के अंदर अभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं बनी। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कहा कि जहां जहां प्रवासी मजदूर है, यूपी का है, बिहार का है, ओडिशा का है, बंगाल का है, नॉर्थ ईस्ट का है, उसको सम्मान के साथ रखा जाए, इनके कैंप बनाए जाए, इनकी भोजन की व्यवस्था की जाए और भारत सरकार से खजाने से 11,000 करोड़ रूपया वो प्रवासी मजदूरों के भोजन के लिए तुरंत ही इन राज्यों को दे दिया।
भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। पार्टी ने इस महीने की 19 तारीख को होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए नबाम रेबिया को मैदान में उतारा है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 19 जून को होंगे। इसमें से 18 वो सीटें हैं जहां पूर्णबंदी के कारण मतदान पहले स्थगित कर दिया गया था और 6 सीटें जून और जुलाई में रिक्त हो रही हैं। कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि सुरक्षा बलों ने शोपियां जिले के पिंजोरा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की। राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने इस मुठभेड़ के बारे में बताया। जिसमें 4 मिलिटेंट टोटल थे हिजबुल मुजाहिदीन के, 4 के 4 ही अभी मारे गए हैं और अभी ऑपरेशन वाइंड अप किया जा रहा है। ये ऑपरेशन पिंजोरा शोपियां में किया जा रहा था। बड़ा बदनाम किस्म का गांव है जिसमें आतंकियों के काफी ज्यादा अड्डे रहते हैं। काफी देर से इतला पुलिस को थी और आज ही सुबह ये ऑपरेशन लॉन्च किया था और 4-5 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन समाप्त हो रहा है। अभी थोड़ी देर तक जो ट्रूप्स है उनको वाइंड अप करेंगे और ऑपरेशन वैसे खत्म हो गया, फायरिंग अभी रुक गई है। इसमें 4 थे और 4 के 4 आतंकी ही मारे गए, 4 के 4 हिजबुल मुजाहिदीन के साथ उसका संबंध है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चक्रवात अम्फन के सटीक पूर्वानुमान के लिए भारतीय मौसम विभाग की सराहना की है। संगठन के महासचिव ई मनिनकोबा ने भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा को लिखे पत्र में कहा कि चक्रवात की दिशा, गहनता, रफ्तार और समय का सटीक आकलन 3 दिन से भी पहले उपलब्ध कराए जाने से समय रहते कार्रवाई में मदद मिली। दक्षिण पश्चिम मॉनसून 11 जून को मुंबई पहुंचेगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जिससे मुंबई सहित महाराष्ट्र तट पर बारिश में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अतीत में यह देखा गया है कि जब बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो वर्षा में सक्रिय बढ़ोतरी होती है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि यह एक सकारात्मक घटना है और इससे मॉनसून को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। साउथ वेस्ट मानसून अभी तक साउथ इंडिया में केरला, कर्नाटक कुछ पार्ट, तमिलनाडु को मोस्ट पार्ट कवर कर चुका है। हमारा उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में ये महाराष्ट्र कुछ हिस्सा, गोवा और समोर पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, कोस्टल आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के सम पार्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कवर करेगी। प्रमुख कारण ये है कि हम अगले 24 घंटे के अंदर देव बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन होने का पूर्वानुमान कर रहे हैं और ये लो प्रेशर एरिया मानसून करेंट को स्ट्रॉन्गर करेगा। लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा पे गति करेगा। साउथ वेस्ट मानसून अभी बहुत फेवरेबल कंडीशन में है और पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। और देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान के साथ है भवतारिणी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल छाए रहेंगे और छिटपुट वर्षा हो सकती है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, यहां तापमान 30 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, यहां आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां क्या हैं? निखिल, भारत और चीन के बीच हुई बातचीत और देश में अनलॉक 1 आज प्रकाशित अखबारों की प्रमुख खबरें हैं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत चीन शांतिपूर्ण समाधान पर सहमत। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे हल, तनाव खत्म करने तक चलेगी चीन से वार्ता। दैनिक जागरण में है, आज से खुल जाएगा पूरा देश, दिल्ली ने भी सीमाएं खोली। अमर उजाला की सुर्खी है, दैनिक भास्कर ने लिखा है, 75 दिन बाद दिल्ली समेत 16 राज्यों में आज से मॉल, पूजा, इबादत के लिए 820 स्मारक खुलेंगे। वीर अर्जुन ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का यह बयान सचित्र प्रकाशित किया है, 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज। पलटवार शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है, कोरोना के खिलाफ जंग में भारत विकसित देशों से आगे। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को प्रमुखता दी है, ड्रोन से खाना और दवा की आपूर्ति के परीक्षण की अनुमति, इंजीनियर जुटे। डीजीसीए से मंजूरी मिली, राजस्थान सहारा की सुर्खी है, दिल्ली में दिल्ली वालों का ही इलाज।
रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट में पड़कड़ी रफ्तार, जल्द 200 सौगातें मिलेंगी, दैनिक भास्कर में है। पत्र ने लिखा है, चिनाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज और इम्फाल में माकरू नदी पर बन रहे सबसे ऊंचे खंभों वाले ब्रिज के निर्माण में तेजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल आज से फिर खुल रहे हैं। दिल्ली ने अपनी सीमाएं खोली। केंद्र ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित 820 स्मारकों को खोलने की अनुमति दी। कोविड 19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.37% हुई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून मुंबई में 11 जून तक पहुंचेगा और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चक्रवात अम्फन के सटीक पूर्वानुमान के लिए भारतीय मौसम विभाग की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।